जय श्री राम दोस्तों, मैं पंडित शरद कुमार राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और ऐसे में भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है। सूर्य ग्रहण से संबंधित यह तो एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण और अनोखी खगोलीय घटना है। ग्रहण की घटना धार्मिक और वैज्ञानिक नज़रिए से बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अप्रैल 2022 को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इस सूर्य ग्रहण से राशि चक्र की कुछ राशियों को जहाँ अशुभ फल प्राप्त होगा, तो वहीं कुछ राशियाँ ऐसी होंगी जिसके लिए यह ग्रहण धन लाभ लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं शनिश्चर अमावस्या पर लगने वाला यह सूर्य ग्रहण राशियों पर क्या प्रभाव लेकर आएगा। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहली राशि मेष राशि की, शनिश्चर अमावस्या के साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगेगा, इसलिए मेष राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। ग्रहण के प्रभाव के कारण मेष राशि वालों का भाग्य साथ नहीं देगा और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इस राशि के जातकों की सूर्य ग्रहण के प्रभाव से धन हानि हो सकती है। मेष राशि के लोग इस दिन लेन देन करने से जरूर बचें। दोस्तों, अब बात करें दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों पर ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, धन लाभ के कई मौके आपको प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके बाद बात करें तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को यह ग्रहण थोड़ी समस्या लेकर आ सकता है। ग्रहण के दौरान यदि घर से निकलना है तो बहुत संभल कर निकले, वरना नुकसान हो सकता है। यदि संभव हो तो इस दिन घर पर ही रहें या तो फिर कम से कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर की राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। योजनाओं में आपको सफलताएं प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यात्रा में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। दोस्तों, अब बात करें पांचवें नंबर की राशि सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी सूर्य ग्रहण अच्छा है। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में न सिर्फ आर्थिक तरक्की मिलेगी बल्कि पदोन्नति होने की भी संभावना है। इस दौरान सिंह राशि के जातक आय स्रोत बढ़ाने के साथ साथ निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इस ग्रहण के दौरान कार्य संबंधी मामलों को लेकर सिंह राशि के जातक यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। बच्चों के करियर को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। किसी को पैसे उधार न दे, गर्म सर्द के कारण खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी, करियर में बदलाव करने से बचें। दोस्तों, अब तुला राशि की बात करें। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव भाग्य में वृद्धि का संकेत दे रहा है। नौकरी में बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी, व्यापार में मुनाफा प्राप्त होने का संकेत है, निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के करियर के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। नौकरी बिजनेस में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किसी परिचित से धोखा मिलने की भी संभावना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने की वजह से मन अशांत रह सकता है, आराम से यह समय निकालने का प्रयास करें। दोस्तों, अब धनु राशि की बात करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है। लाभ के मौके मिलने आरंभ हो जाएंगे, समय अनुकूल रहेगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब मकर राशि की बात करते हैं।
मकर राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के दौरान सावधान रहना होगा। सेहत के मामले में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई पुराना रोग है तो उसे गंभीरता से लें। लक्ष्य को पाने में दिक्कत आ सकती है। कर्ज की स्थिति बन सकती है। धन की कमी से महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ माना जा रहा है। उन्हें इस दौरान अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन पारिवारिक विवाद होने की भी संभावना है। जल्दबाजी से थोड़ा जरूर बचे। दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण काफी शुभ रहेगा। धन लाभ की संभावनाएं हैं। निवेश में भी लाभ मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।